अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर ईट एरिया। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार गोलगप्पे, जिसे पानी पूरी भी कहते हैं। साथ ही इसकी चटनी भी बनाना सिखाएंगे, मीठी, खट्टी और इसका खट्टा पानी भी बनाना सिखाएंगे। बहुत से लोग इसमें सफेद चने यूज करते हैं, लेकिन हम काले वाले चने यूज करेंगे, जो कि दिखने में बहुत ही प्यारे लगेंगे। चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसका आटा गूंदना है। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी, 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच मैदा। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब हम इसको नीम गर्म पानी से अच्छी तरीके से गूंद लेंगे, ना ही ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा नरम। इसको नॉर्मल हम गूंद लेंगे, जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं। इसमें हमने नमक बिल्कुल भी नहीं डालना। बहुत से लोग इसमें नमक डालते हैं और बहुत से लोग इसमें बेकिंग सोडा ऐसी चीज़ें डालते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इस सब से ये नरम हो जाते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से ढककर हम रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक हम इसका पानी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं: हरा धनिया, पुदीना 1-1 मुट्ठी जैसा ले लें, 8 से 10 लहसुन की कलियां ले लें और 4 से 5 हरी मिर्चें ले लें। अब हम इस सब को ब्लेंडर के जग में डाल देंगे। हमने इमली भिगो कर रखी थी, वो भी हम इसमें डाल देंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालना है। अब इसमें 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे इसमें और 1 चम्मच नमक डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरीके से पीस लेंगे और इसको बाउल में निकाल देंगे। साथ ही हमने इसके अंदर 1/2 लीमू निचोड़ लेना है। इसी जग के अंदर हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी लेना है और इसमें ऐड करना है। इसको चाहें तो आप छान भी सकते हैं, हमने ऐसे ही यूज किया था। खट्टा पानी हमारा तैयार है। इसी चटनी में से हमने थोड़ी सी चटनी निकाल ली थी पानी डालने से पहले, जो कि हरी चटनी के तौर पर हमारे पास थी। अब हम बनाएंगे मीठी चटनी, जिसके लिए हमने इमली भिगो कर रखी थी। बीज इसके हम अलग कर लेंगे। जब तक हम इमली के बीज निकाल रहे हैं, जब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अब हमने इसके अंदर डालना है गुड़, 2 से 3 टुकड़े बड़े वाले, और 1 चम्मच चीनी डालनी है हमने इसके अंदर, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च डालनी है इसके अंदर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालना है, 1/2 चम्मच जीरा डालना है और इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। तो फिर हम उसको चूल्हे पर रखेंगे।
अब हम इसको हिलाते जाएंगे ताकि नीचे चीनी ना लगे और हमारी चटनी ना जले। इसको हम हल्के हल्के करके हिलाते जाएंगे और फिर हम इसको हल्की आंच पर रख देंगे जब तक ये गाढ़ी होती है। जब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे, यहाँ हमने बॉयल आलू लिए हैं, उसमें हमने आधा चम्मच जैसी कुटी लाल मिर्च लेनी है और आधा चम्मच ही पिसी लाल मिर्च लेनी है। एक चम्मच हमने चाट मसाला लेना है, जीरा लेना है आधा चम्मच और नमक लेना है आधा चम्मच। अब हम इसको चम्मच की मदद से इस तरीके से पीस लेंगे। ये हमारी आलू की फिलिंग भी तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने गोलगप्पों की तरफ। इस तरीके से हमने ये पेड़ा पूरा ही इस पर रखना है और इसको इस तरीके से बेलना है। हमारे पास बेलने की जगह कम थी, इस वजह से हमने इसको हाफ कट कर दिया है और फिर हमने इसको और ज़्यादा बेलना है ताकि ये बिल्कुल पतला बेल जाए। किसी ढक्कन की मदद से, इस तरीके का ढक्कन आप ले लें, को कट कर लें और इस तरह से एक प्लेट में इसको रखते जाएं जब तक हम और बना लेते हैं। तेल हमारा गरम था, अब हमने इसके अंदर जो गोल गप्पे बनाए थे वो हमने एक एक करके इसमें डालने हैं। इसमें कोई चम्मच नहीं मारना, कोई इसमें कुछ नहीं करना, बस आपने इसमें डालना है और फूलने का इंतज़ार करना है। जब गोल गप्पे हमारे फूल जाएँ तो इसकी साइड चेंज करें, वरना इसमें कोई चम्मच मारने की ज़रूरत नहीं है। अब गोल गप्पों का कलर इस तरीके का हो गया है तो हमने निकाल लेना है, इसको जलाना नहीं है। इस तरीके से हमने दोबारा और डाले, ये देखें। सारे ही माशाल्लाह गोल गोल फूल रहे थे। अब हमने इसकी फिलिंग जो तैयार की थी सारी, उसको असेंबल कर लेते हैं। अब हमने इसमें बीच में होल करना है और फिर हमने इसमें डालने हैं छोले, आलू जो हमने तैयार किए थे, और इसमें हमने मीठी चटनी डालनी है, हरी चटनी जो हमने पानी वाली चटनी में से थोड़ी सी बचा ली थी, और दही डालनी है और पानी डालना है हमने खट्टा जो तैयार किया था।
तो लीजिए, हमारे गोलगप्पे तैयार हैं। मुझे तो बहुत पसंद आए थे गोलगप्पे, बिल्कुल ही मार्केट जैसे थे और ऐसा लग रहा था कि हम बाहर ठेले पे खड़े होके गोलगप्पे खा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी थे, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हमारी नई वीडियोस की। लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें अच्छे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।